ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल पिछले हफ्ते किसी कारणवश नहीं पब्लिश हुआ था। उसका रीज़न आप लोगों को पता होगा, मुंबई सेंटर इनॉग्रेशन था। 4 जुलाई को हमने मुंबई के दादर में अपना कॉरपोरेट सेंटर ओपन किया। इस कारण से व्यस्त शेड्यूल के कारण साप्ताहिक राशिफल पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन कस्टमाइज वीकली हॉरोस्कोप आप लोगों के पास ईमेल पर या व्हाट्सएप पर जिस भी जगह पे जाता वो गया। फिलहाल 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक ये जो डेट आपको दिखाई दे रहा है कैसा बीतेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों पर, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। मेजर अगर आप देखिएगा 12 से 18 के बीच में मेजर क्या होने वाला है, बहुत सारे ग्रह कर्क में जाने वाले हैं। जैसे सूर्य देव जो हैं अभी अपने रानी यानी चंद्रमा के घर में ये प्रवेश करेंगे। दूसरा शुक्र ऑलरेडी कर्क में ही है, मंगल भी कर्क में है और चंद्रमा का जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, एंट्री पॉइंट जिसको येलो से दिखाया गया है, ये भी कर्क में। तो कर्क में बहुत सारे ग्रह एक जगह पर हो जाएंगे, हालांकि इनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। शुक्र 17 को ही बाहर निकल जाएंगे, 20 तारीख को मंगल बाहर चले जाएंगे। तो इनका क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा ये हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए लगन तो आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और रेड कलर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो मेष लगन है। एक नंबर जिसको रेड से दिखाया गया मेष लगन है। मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके फोर्थ हाउस से लेके सेवेंथ हाउस के बीच में होगा। फोर्थ हाउस में चंद्रमा स्वगृही रहेंगे और जब चंद्रमा स्वगृही रहेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक शांति मिलेगा। लेकिन कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचने वाला है। एक तरफ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक तरफ कहीं ना कहीं आपको त्याग भी करना पड़ेगा। बहुत सारे उथल पुथल चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये कर्क में बहुत सारे ग्रहों के एक साथ होने पर के कारण हो रहा है। ऊपर से शनि का चंद्रमा पे दृष्टि जो कि विष दोष बनाता है, ये सारी चीज़ें अभी भी लगी रहेंगी। तो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ तो इस हफ्ते में, इस हफ्ता जो रहेगा वो काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला सप्ताह रहेगा मेष लगन का, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पारिवारिक जीवन में काफ़ी उलझने चल रही थी। अभी ये उलझने सुलझने के जगह पर और बिगड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि टाइमिंग अब एकदम बहुत अच्छा हो गया है मेष लगन के लिए, कुछ विवाद अभी भी रहने वाले जो कि मैं चार्ट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके फिफ्थ हाउस में रहेगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा और लगभग हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा मिश्रित रहेगा। एसिडिटी की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी मेष लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर होगी। व्यापार में आपके साथ राजनीति ना हो जाए इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान देना है। व्यापार में राजनीति होना एकदम पूरा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। कोई आपका ही मित्र यार आपका ही दुश्मन बन सकता है मेष लगन वाले जातकों के लिए। तो ये हफ्ता कहा जाए सामान्य हफ्ता ही बेसिकली बीतने वाला है, बहुत अच्छा हफ्ता नहीं कहूँगा। अब हम वृष लगन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब लगन क्या हो गया, वृष लगन हो गया और इसका जो लग्नेश है वो शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, अभी 17 जुलाई तक लगभग आपके लगन से तृतीय में पराक्रम में बैठा, खूब मेहनत कराएगा और उसके बाद ये नीच अभिलाषी होकर सिंह राशि में परम शत्रु सूर्य के राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर शुक्र का जो रहेगा कई बार बेसिकली उनके लिए जो प्रेम प्रसंग में जुड़े हैं उनका ब्रेकअप हो जाना, पेट से संबंधित यानी उदर से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाना,
और शेयर मार्केट में कुछ लंबा नुकसान कर बैठना इस हफ्ते में वृषभ लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य भाग रहेगा वो थोड़ा कठिनाई वाला रहेगा, स्टार्टिंग अच्छा रहेगा, मेहनत कीजिएगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं करना आपके लिए सुखद भी रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर रहेगा, जब चंद्रमा आपके लगन से रोग में चला जाएगा। अब कर्म का मालिक अगर रोग में जाएगा तो आपके शत्रु आपके मान पद और प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये टाइम बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है, और साथ में कर्क में यानी धन स्थान पे। देखिए जिस भी लगन में कर्क में बहुत सारे ग्रह एक साथ हो रहे हैं, ये पूरा हफ्ता उथल पुथल मचने वाला, और कर्क जो होता है जल तत्व है, इसलिए भूकंप का आना या जल प्रलय होना, जल से अकस्मात पूरा एरिया भर जाना, ऐसा गोचर में मुझे दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए गले में विशेष रूप से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और गले का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा जो शनि दशम स्थान आपके अष्टम स्थान पर बैठा है, ये शनि आपको इंट्यूशनल पावर भी बढ़ाएगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। शेयर मार्केट में अगर नुकसान चल रहा था तो शनि देव यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, केतु की स्थिति भी अच्छी बैठ रही है, और चंद्रमा का गोचर आपके लगन से द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम में रहेंगे। हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन जो हफ्ते का अंतिम दिन रहेगा वो विद्यार्थी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और इस समय को आप अच्छा कहा जाए अगर किसी एक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा हो सकता है तो वो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी दो बातें आप लोगों को नोट करना होगा। पहली बात, गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा, अगर आपने गुस्सा अति कर दिया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, फिर वो टाइम जब चला जाएगा फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं, सबसे इमोशनल लगन। कर्क लगन वाले जातकों के जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी है, और कर्क लगन में देखा जाए तो आपके लगन पर ही इतने ज़्यादा ग्रह एकत्र हो रहे हैं, विशेष रूप से कहा जाए इस हफ्ते इतने ग्रह एकत्र हो रहे हैं, वो आपको मिला जुला असर देने वाले। कई बार आपका जो मूड होगा वो काफ़ी खुश रहेगा, कई बार अगले 2 घंटे में देखिएगा तो एकदम टेंशन आ जाएगा, फ्लक्चुएशन से भरा हुआ ये हफ्ता होगा। एकदम कभी आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा, एकदम कभी ऐसा होगा कि काम ही नहीं बन रहा है, और जनरली कहा जाए इस समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, विशेष रूप से संतान को भी कष्ट, केतु का पंचम में बैठना, और साथ में आपका जो लग्नेश है लगन में तो बैठा है, लगन से चतुर्थ तक गोचर करेगा। हफ्ते का जो मध्य होगा उसमें जल दुर्घटना होने की संभावना, अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, पराक्रम बढ़ा रहेगा, इतने निगेटिविटी होने के बाद भी मेहनत जो आपकी रुकी हुई थी वो मेहनत आप लगातार अब करना स्टार्ट कर देंगे, और आपकी मेहनत एक बार अभी स्टार्ट होगी, अब ये बंद नहीं होने वाली, गोचर चेंज हो चुका है। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। सिंह लगन की बात करते हैं, देखिए सिंह लगन जहाँ पर मैंने 5 नंबर लिखा है ये सिंह लगन है। सिंह लगन का लग्नेश कौन होता है, वो सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव कहाँ पर बैठे हैं जाकर, अभी तो आपके इनकम में बैठे हैं तो इनकम का बढ़ना, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना सूर्यदेव कर रहे हैं। 16 जुलाई तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह चलती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब 16 तारीख के बाद जैसे ही सिंह लगन वाले जातकों का सूर्यदेव लगन से द्वादश हो जाएगा तो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार रहिए। यात्राएं लंबी होंगी, थका देने वाली होंगी, और यात्राएं आपको आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। इस समय पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, कुछ कहा जाए छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं, और साथ में खर्च खर्च और खर्च, खर्चों पर लगाम आपको डालना पड़ेगा। खर्च अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी आपको परेशान कर देगा। एक टाइम में प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, मानसिक तनाव मिलेगा,
कुछ भी आप कर लीजिए, जीवन साथी के साथ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है इस ड्यूरेशन में। केतु का चतुर्थ में बैठना वैसे भी आपको काफ़ी परेशान करने वाला है, लेकिन राजनीतिक रूप से बड़े लोगों से मुलाकात होना, राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर होना, ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको इस हफ्ते ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इतना मेजर लॉस हो जाएगा फिर आप परेशान हो जाएंगे। और जो लोगों को एलर्जी है, सांस लेने में परेशानी होती है, एस्थमेटिक है, उनको भी ये समय बहुत अच्छा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये हफ्ता। कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। बुध और सूर्य, सूर्य दिशा बली हो जाएंगे, दशम में सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, और ये जो सूर्य हैं आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। आपको विदेशों से जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वहाँ से पैसे का संचार आएगा बहुत तेज़ी से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लाइफ में पैसे से जो बड़ा होता है वो आपका मानसिक सुख होता है। अगर आप सुखी हैं तो पैसे से बढ़कर है। पैसा तो एक माध्यम है किसी चीज़ को खरीदने का, लेकिन मानसिक सुख की को मतलब जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी इनफाइनाइट। तो मानसिक सुख आपका बढ़ेगा और इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन साथ में माता के स्वास्थ्य में गिरावट करेगा, माता के घुटनों के नीचे दर्द की शिकायत होना, चलने में शिकायत होना, ये सब चीज़ें रहेंगी। स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं अगर आपका लगन वर्गो लगन है, यानी आपका कन्या लगन है तो ऐसा होगा। छोटे भाई बहनों के साथ अभी भी मतभेद की स्थिति रहेगी, और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो काफ़ी अच्छा आपका बीतने वाला। तुला लगन की बात करते हैं, देखिए तुला लगन में बेसिकली चंद्रमा का गोचर आपके लगन के दशम से लेकर लगन में चंद्रमा जाएगा। आपका लग्नेश जो है वो दशम में आ रहा है, और कुछ टाइम के लिए आ रहा है, क्योंकि जब महीने हफ्ते का जब मध्य भाग खत्म होगा तो ये बुध आपके एकादश में चले जाएंगे। एकादश में गया हुआ बुध आपके इनकम को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, लेकिन नीच अभिलाषी होगा, खर्च की अधिकता को बढ़ा देगा। और इस समय किसी भी प्रकार के व्यापारिक समझौते अगर करने हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। इस समय का किया हुआ व्यापारिक समझौता आपको परेशान कर देगा। इसके अलावा दाई आँख में, दाई कान में कुछ परेशानी होना, दाएं कान में कुछ परेशानी होना, यानी ENT पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब रहने वाली है यहाँ पर। कार्य व्यवसाय के लिए जो लोग नए नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको बहुत ही एक अच्छा अवसर यहाँ पर मिलेगा। सुख की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी इस महीने में दिखाई देगा। जो कि हफ्ते का अंतिम 3 दिन है वो आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। इसके अलावा वृश्चिक लगन, देखिए वृश्चिक लगन में अब धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आ रही है कि जो परेशानी चल रही थी, जिनको डिप्रेशन था, काफ़ी मेरे भी क्लाइंट्स थे, मैंने आपको कई बार बताया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, लेकिन अभी डिप्रेशन जो है अकस्मात में आपके दैनिक जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, राहु का अकेला बैठना, आपके जीवन साथी से वाद विवाद करना निश्चित रूप से। दूसरा क्या है, लगन में केतु बैठना तो माइग्रेन की शिकायत होना। हालांकि जो माइग्रेन का जो परसेंटेज होगा, जिनको ऑलरेडी उनको ज़्यादा बढ़ा रहेगा, जिनको नहीं है और वो वृश्चिक लगन है उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ना, और ये पोर्शन जो होता है जिसको ललाट का कहा जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक वर्ड में कहा जाए तो ये पोर्शन थोड़ा सा भारी रहेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव आपको हो सकता है। और जो लोग नींद की दवाएं खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनके लिए भी ये नींद की दवाओं के डोज को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता का सहयोग मिलेगा और लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, तो कुल मिलाकर अच्छा है। लेकिन दैनिक रोजगार वाले लोगों के लिए अभी भी बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। अंतिम लगन की, अगले लगन की बात करते हैं, धनु लगन। देखिए धनु लगन में ये जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम से एकादश में हो रहा है, पहला दिन ही खराब है, यानी 12 जुलाई कहा जाए, 13 जुलाई कहा जाए, वो बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 बाकी के जो 4 दिन हैं वो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से काफ़ी अच्छे समय रहने वाले हैं। इस समय शत्रु पर आप हावी रहेंगे, मतलब अगर आप चाहेंगे तो शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे, लेकिन आप
के ऊपर शत्रु नहीं पराजित हो सकते हैं। इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले लेंगे और उसको आप फॉलो करेंगे। कई बार आपके माइंड में चल भी रहा होगा ये सच है गलत है, किया जाए ना किया जाए, उसका एक फाइनल डिसीजन आपको इस हफ्ते मिलता हुआ दिखाई देगा। गोचर में जो चंद्रमा है वो आपका अष्टमेश का दोष लेकर जॉब में जाएगा, तो निश्चित रूप से जॉब में भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होगी। काम तो बनेगा लेकिन डिले के साथ बनेगा। और हफ्ते का जो अंतिम दिन है उसमें अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले लगन वाले जातकों के लिए, इसका मतलब है मकर की बात हम करने वाले हैं। देखिए मकर में क्या होने वाला है, मकर में चंद्रमा का गोचर आपके दशम स्थान से लेकर आप सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान पे रहेंगे, तो मिश्रित फल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है मेरा यहाँ पे। परिवार में झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, गले में थोड़े कोल्ड कफ ज़्यादा हो सकते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर का शिकार हो सकते हैं या किसी प्रकार से तबीयत खराब हो सकता है। थोड़ा सा अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और जो राहु आपका बैठा हुआ राजनीति से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छा यहाँ पर फल मिलेगा। और स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में किसी प्रकार का सेंसिटिविटी जिसको कहा जाता है, सेंसिटिव हो सकता है आपका स्किन, तो थोड़ा सा स्किन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल धन भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डिले करके होगा। ओवरऑल कुछ मुझे निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। दैनिक रोजगार में कुछ आप ये कह सकते हैं कुछ रुकावट के बाद काम बनता हुआ दिख रहा है। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में बार बार बोलता हूँ कि लंबी दूरी की यात्राएं चलेंगी। आपका लग्नेश द्वादश में है तो लंबी दूरी की यात्रा आपको कराएगा। नंबर वन, पीआर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पीआर के लिए अप्लाई कीजिए, वो भी बनेगा। लेकिन बुध आदित्य योग अभी गोचर में जो बन रहा है ये आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस देने वाला है। ये टाइम बहुत अच्छा है, ये पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे, प्रेम प्रसंग में भी अगर आप असफल थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि जिन लोग नौकरी व्यवसाय के लिए नए जॉब की तरह तलाश कर रहे थे या व्यवसाय में काम नहीं बन रहा था उनके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अंतिम लगन यानी मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में गोचर जो रहेगा वो आपके पंचम से लेके अष्टम में रहेगा। पहला दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद के जो मध्य भाग रहेगा उसमें काफ़ी परेशान रहेंगे, व्यर्थ के खर्च होना, व्यर्थ की ट्रैवलिंग होना, किसी ना किसी प्रकार से धोखा मिल जाना, किसी ना किसी प्रकार से आप इमोशनल हो जाए, ऐसा मीन लगन वाले जातकों के लिए गोचर में स्थिति बनी हुई है। जल क्षेत्र में जाने पर जल दुर्घटना हो सकती है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो आपको यहाँ पर बचकर रहना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन ठीक है, मेहनत आपको करते रहना चाहिए, संतान से भी सुख की अनुभूति आपको मिलेगी। और ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए अंतिम दिन को छोड़कर सारे दिन आपके लिए अच्छे हैं। यात्राएं हो सकती हैं, खर्च बढ़ सकता है, खर्च पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। Thank you.